बिहार में लालू नीतीश कांग्रेस गठबंधन ने 10 में से 6 सीटों पर सफलता हासिल की है, जबकि लोकसभा चुनाव में जबरदस्त सफलता हासिल करने वाली पार्टी भाजपा को 4 सीटें ही मिल पाई। इस महागठबंधन ने बीजेपी का गणित बिगाड़ दिया। इस बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता के सेमीफाइनल में मिली जीत पर खुशी जाहिर की है। राजद जदयू महागठबंधन को मिली 6 सीट का श्रेय उन्होंने जनता को दिया, और साथ ही बीजेपी पर करारा हमला करते हुए नीतीश ने कहा कि बिहार की जनता समाज में सद्भाव चाहती है। जनता ने बांटने वाली राजनीति को नकार दिया है, अब जनता झांसे में आने वाली नहीं है। बिहार की जनता ने, मतदाताओं ने स्पष्ट तौर पर अपना मत प्रकट किया है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, और जो भी प्रत्याशी जीते हैं मैं सबको बधाई देता हूं। एक बात तो स्पष्ट है इस चुनाव के नतीजे से कि जनता अब उन्माद की राजनीति के झांसे में आने वाली नहीं। लोकसभा के चुनाव के इतने कम समय के बाद जो ये नतीजे आए हैं वो साफ संकेत दे रहे हैं, और इसका संदेश स्पष्ट है कि बिहार के लोग विभाजनकारी राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में 10 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे इस प्रकार हैं। मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के अजय कुमार मुलगागनी ने बीजेपी के राजेश कुमार सिंह को हराया। राजनगर से आरजेडी के उम्मीदवार राम अवतार पासवान ने बीजेपी के रामप्रीत पासवान को पटकनी दी। वहीं भागलपुर सीट पर कांग्रेस के अजीत शर्मा को जीत मिली है। जाले सीट पर जेडीयू के ऋषि मिश्रा ने जीत दर्ज की। खगड़िया के परबत्ता विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार आरएन सिंह चुनाव जीते। छपरा से आरजेडी उम्मीदवार रणधीर सिंह की जीत हुई। विधानसभा उपचुनाव के नतीजे पक्ष में आने के बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। गौरतलब है कि बिहार में चुनावों से पहले बीजेपी को रोकने के लिए नीतीश, लालू और कांग्रेस ने मिलकर महागठबंधन का ऐलान किया था, और इस गठबंधन ने बिहार में बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।